नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आज 13 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका संबंध आपके और हमारे जीवन से काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर को लेकर, जिसमें दिया हुआ है कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नेपाल से आने वाली नदियों में पानी बढ़ गया है और इसके कारण बिहार की 10 नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके साथ ही साथ गंगा नदी जो है अभी खतरे के निशान से 1.5 मीटर नीचे है, लेकिन इसको लेकर जो राज्य सरकार ने जो है वो सभी जिले के जिलाधिकारियों को कहा है कि जो भी सीमावर्ती जो गाँव हैं, जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाए और बाढ़ से निपटने के लिए सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाए। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। तो वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने वैसे श्रमिक जो कि बाहर से आए थे कोरोना के लॉकडाउन के समय में, उनको यहीं पर बिहार में ही रोजगार देने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। सबसे पहले निर्माण क्षेत्र में जो भी श्रमिक थे उनका निबंधन कराया जा रहा है और उनको उनसे संबंधित जो है उपकरण दिए जा रहे हैं, ताकि उनको यहीं पर रोजगार मिल सके और उपकरण रहने पर वो काम को अपने आसानी से कर सके। आपको बताते चले कि जितने श्रमिक वापस आए उनमें सबसे अधिक जो श्रमिकों की संख्या है वो निर्माण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। 9 लाख ऐसे श्रमिकों की संख्या है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, जहां पर दिया हुआ कृषि विभाग ने ये गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी देगी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों के लिए कृषि संबंधित आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके तहत ही गांव में अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो आपको 2 करोड़ का क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और इसके साथ ही साथ अगले 7 वर्षों पर 5% से लेकर 5.25% तक ब्याज लगेगा आपको। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि नीतीश कुमार का एक वादा कि अगर अगली बार सरकार में आते हैं तो प्रदेश के हरेक जो खेत हैं उन तक सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए आज से सर्वे का काम शुरू हो गया है और ये प्लाटवाइज सर्वे जो है 8 अगस्त तक पूरा कर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कोरोना को लेकर कि सर्वाधिक एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले 1266 कल रविवार को दर्ज किए गए। पूरे प्रदेश में पटना में 183 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, लेकिन राहत की ये बात है कि कल ही जो है 962 लोग जो हैं स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। वही आपको बताते चले कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना से संक्रमितों का पूरा मामला जो है 16,305 है, तो वही 11,953 लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और वही राज्य का जो रिकवरी रेट है वो 73.31% है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, चुनाव आते आते ही सरकार की घोषणाएं तेज हो गई है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि छपरा और पटना के बीच में गंगा नदी पर 2 पुल आने वाले समय में बनकर तैयार होंगे। एक पुल जो है वो मनेर में और दूसरा दीघा में बनकर तैयार होगा। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि बाढ़ से बचाव को लेकर सरकार जो है अलर्ट मोड में आ गई है और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि लोग भी है सरकार को मदद करे बाढ़ से बचाव के लिए और जहाँ भी बाढ़ जैसी समस्या आ रही है तुरंत सरकार को इसकी सूचना दे, ताकि इंजीनियर और जरूरी जो सामग्री है उसे उस स्थान पर पहुंचाया जा सके और 24 घंटा के अंदर में बाढ़ से निजात देने का प्रयास किया जा सके। तो सरकार ने अपील की है, तो आप सभी की जिम्मेवारी बनती है कि आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो इसकी जानकारी आप तुरंत सरकार को दें। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, जिसमें दिया है कि PMCH में लगातार डॉक्टर और नर्स के संक्रमित होने के कारण कोरोना वायरस से एक नया रोस्टर प्रणाली बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें जो भी प्राध्यापक हैं, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं,
उन लोगों को 15 दिन काम और 15 दिनों का आराम देने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पीएमसीएच में लगातार जो है डॉक्टर नर्स और उससे संबंधित जो कर्मचारी हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं, फिर भी इस प्रतिकूल स्थिति में भी जो डॉक्टर हैं और स्टाफ हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो विश्व जो पीएमसीएच जो हॉस्पिटल प्रशासन है ये फैसला लिया है और तुरंत ही से स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा जाएगा और जैसे ही इसका परमिशन मिल जाएगा ये रोस्टर लागू कर दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है जिसमें दिया है कि बीएसएससी अगस्त में राजभाषा जो सहायक उर्दू उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए परीक्षा लेगा और इसके लिए जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन किया जाएगा और छात्रों के बीच में ज़्यादा गैप रखा जाएगा और बीएसएससी ने यह कमर कस लिया है कि अगस्त में ही जो इसकी परीक्षा है उसको ली जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से जिसमें दिया हुआ है कि दीघा आर ब्लॉक जो 6 लेन जो रोड है वो बनकर तैयार हो गया है और राजीव नगर में पहला इसका फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो गया है और अगस्त में ऐसी आशंका है कि इसे शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि ये रोड जो है पूरी तरह से बनके तैयार है जो और इसके जो अंतिम जो फिनिशिंग के काम है वो चल रहे हैं और तुरंत ही राजधानी वासियों को एक लंबा अच्छा रोड मिलने वाला है जिससे पटना में जाम की स्थिति जो है उससे काफ़ी निजात मिलेगा। वही अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से लिया है जिसमें दिया हुआ है कि कोरोना वायरस को लेकर जो कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है पटना एम्स में होने वाला है उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी और लगभग 50 लोगों पर यह वैक्सीन जो है ट्रायल किया जाएगा और एम्स ने आम लोगों से भी ये निवेदन किया है आग्रह किया है कि वो आए और ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा बने। तो आज से वैक्सीन जो है इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि ये वैक्सीन पहले जानवरों पर टेस्ट किया जा चुका है जो कि सफल रहा है और आशा की जा रही है और हम भी प्रार्थना करेंगे कि ये वैक्सीन सफल हो जाए और तुरंत कोरोना वायरस से सारे विश्व को निजात मिले। तो ये थी आज पटना से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को आप फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।